नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है जब हवा चलती है। ये कहानी वैसे तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, और अगर आप इसके अर्थ को समझ गए ना तो ये लाइफ में आने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से ना आपको यूँ चुटकियों में बाहर निकाल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जब हवा चलती है। इस कहानी में एक किसान है। किसान के पास बहुत बड़ा खेत है लेकिन उसका खेत ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते रहते हैं, इसलिए कोई भी मजदूर उसके खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस चीज़ से वो बड़ा परेशान रहता था। एक दिन उसने अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया जिसे पढ़कर कई लोग उसके खेत पर मजदूरी करने के लिए आए, लेकिन जब उन्हें उस खेत के बारे में पता चला तो वो एक एक करके वापस लौट गए। कोई भी उसके खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एक आदमी जो अधेड़ उम्र का था, सामान्य कदकाठी का दुबला पतला सा था, वो उसके खेत में काम करने के लिए तैयार हो गया। किसान ने उससे पूछा कि तुम यहाँ की परिस्थिति के बारे में जानते हो ना, फिर भी तुम तैयार हो? तो उस आदमी ने कहा, हाँ मैं आपके खेत पर मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान को ये बात बड़ी अटपटी सी लगी कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, उसका क्या मतलब हुआ? लेकिन उसे मतलब था अपने काम से। उसने सोचा, मुझे तो मजदूर चाहिए और मुश्किल से एक बंदा तैयार हुआ है। उसने उसे काम पर रख लिया। अब मजदूर ने देखा कि ये तो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से काम करता है। इसने खेतों की देखभाल बड़े अच्छे से करनी शुरू कर दी है, जानवरों का पूरा ध्यान रखता है, फसल पूरी अच्छे से ये देखभाल कर रहा है। किसान बड़ा खुश था। एक दिन किसान रात के समय अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी बड़ी तेज हवा चलनी शुरू हो गई। अब हवा को देखते हुए किसान ने भांप लिया कि यहाँ बड़ी जोर का तूफान आने वाला है। उसे लगा कि मुझे मजदूर को बोलना चाहिए कि जो फसल कटी पड़ी है वो खराब ना हो जाए, इसलिए उसे तूफान आने से पहले ही बांध के सुरक्षित जगह पहुंचा देना चाहिए, जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचा देना चाहिए, और जो बाड़े के गेट हैं उन्हें अच्छे से कस के बांध देना चाहिए। तो ये कहने के लिए वो लालटेन लेकर मजदूर की झोंपड़ी की तरफ चला, पर वहाँ जाके देखा तो मजदूर तो आराम से सो रहा है। उसने मजदूर को हिलाया और बोला कि तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और तुम्हें पता है बाहर तूफान आने वाला है, सारी फसल जो कटी पड़ी है वो तो खराब हो जाएगी, तो तुम्हें उसे बांध के सुरक्षित जगह पर पहुँचाना चाहिए, जानवरों का ध्यान रखना चाहिए, बाड़े के जो गेट हैं उन्हें अच्छे से कसकर बांधना चाहिए और तुम यहाँ आराम कर रहे हो। तो मजदूर बोला, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जब हवा चलती है तब मैं सोता। ये सुनकर तो किसान को इतना गुस्सा आया ना, उसका मन किया कि एक थप्पड़ इसके लगाऊं, लेकिन उस समय उसे परवाह थी अपनी कटी हुई फसल के खराब होने, अपने जानवरों की, इसलिए वो बिना कुछ कहे गुस्से में उसे देखता हुआ अपने खेत की तरफ भागा। खेत पर पहुंचा तो देखता है कि जो फसल कटी पड़ी थी वो बड़े अच्छे से बंद कर सुरक्षित जगह पर पहुंची हुई है, जानवर भी सुरक्षित स्थान पर हैं, और बाड़े के गेट तो पहले से ही कसकर बांध दिए गए हैं ताकि तूफान आ भी जाए तो कुछ नुकसान ना हो। ये सोचकर किसान को बड़ी खुशी हुई कि जिस आदमी को उसने रखा है वो तो बड़ा समझदार निकला, और उसे उसकी उस बात का मतलब भी समझ में आ गया कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। इसका मतलब था कि जब हवा चलती है ना, उसके आने से पहले ही वो अपनी सारी तैयारी पूरी कर देता है ताकि जब हवा चले तो उसके दिमाग में कोई चिंता ना हो और वो चैन से सो रहा हो, क्योंकि उसने अपना सारा काम पहले ही खत्म कर दिया है, इसलिए वो निश्चिंत होकर सो सके। परेशानियां तो हम सबके जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें तो हम उन परेशानियों के समय बिल्कुल भी बेचैन नहीं होंगे। जैसे अब अगर बच्चे हैं, बच्चे अगर साथ के साथ अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते जाएं तो जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उनके सर पे पढ़ाई का एकदम से भार पड़ेगा ही नहीं, तब भी वो अपना नॉर्मल रूटीन में जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी साथ के साथ करी हुई है,
उन्हें एग्ज़ाम टाइम में घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह अगर इंसान हर महीने छोटी छोटी बचत करके रखे तो आने वाले समय में अगर कोई ऐसी तकलीफ़ आ भी जाती है जिसमें उसे पैसे की ज़रूरत है तो उसे बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी हर महीने की हुई बचत उस समय उसका सहारा बन सकती है और वो परेशानी के समय में भी चैन से सो सकता है। देखा आपने, ये कहानी बेशक बड़ी छोटी सी है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो चलिए आज से हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि हम भी उस मजदूर की तरह कह सकें कि जब हवा चलती है ना तब हम सोते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।